मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज आता है इस जो एम टू आर टू इज अबाउट आर अबाउट, तो इसको हम प्रयोग के तौर पर देखेंगे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं आपको। यूजेज है is to R to M to और इधर हम कर सकते हैं is about to R about to R M about is to is about to R to R about to M to M about to। यहां दोनों में अंतर यह है, इसमें shortage of time and here plenty of time, ये दो का यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम समझने का प्रयास करेंगे, अगर मैं लिखूं वह आने वाला है तो ऐसा लगता है कि आने वाला है, एक वक्त है, तो उस वक्त के बारे में चर्चा की जा रही है। इधर के लिए अगर हम इस सेंटेंस को यूज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं वह आने ही वाला है। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसमें और दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा फर्क है। वो आने वाला है, वह आने ही वाला है। आने ही वाले में ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है और आने वाला में लगता है कि समय बहुत ज्यादा है। ऐसे में हम इस नियम को उठाते हैं और यहां पर एक साथ प्रयोग करते हैं। वह आने वाला है, इसके लिए ही का यूज हो जाएगा सिंगुलर नंबर, तो यहां पर इस का उपयोग होगा। He is to come. इसको हम लिखेंगे वह आने वाला, he is to come. अगर ये बदलना है इसके यूजेज, जैसे हमने लिखा वे आने वाले हैं तो यहां पर प्लूरल हो जाएगा, तो वे के लिए दे और इसके साथ आर का प्रयोग, दे आर टू कम, तो यहां से आर टू का प्रयोग हो गया। एम टू अगर लिखा है मैं जाने वाला हूं तो मैं के लिए आई और यहां एम टू का प्रयोग होगा, आई एम टू जाने का हो, आई एम टू हो। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर समय की अधिकता प्रदर्शित करता है वाक्य तो यहां पर इस टू एम टू आर टू का प्रयोग होता है, लेकिन जब समय यहां पर प्लेंटी ऑफ टाइम ना हो, आने ही वाला है, वक्त कम का प्रयोग होता हो तो इसमें अबाउट का प्रयोग करते हैं और इसी सेंटेंस को इस प्रकार लेते हैं ही इज अबाउट टू ही इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाला है, नहीं जवाब। अगर इसी को प्लूरल में करें वे आने ही वाले हैं, वे आने ही वाले हैं, तो यहां आने ही का अर्थ यहां बोध कराता है ये अब तो इस समय की कमी है, तो यहां पर ये बहुत लोग का प्रयोग करते हैं वे के लिए दे और आर अबाउट टू कम, तो यहां अबाउट का प्रयोग हो जाएगा, दे आर अबाउट टू कम, दे आने ही वाले। अगर इसी में अगर ये मैं के लिए, जिसे मैं जाने वाला हूं और यहां लिखा जाए कि मैं जाने ही वाला हूं, जाने ही वाला हूं, तो यहां पर ही
का प्रयोग यह बोध कराता है कि समय की कमी है, दोनों वाक्यों में फर्क है, दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का प्रयोग होगा, लिखा जाएगा आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस टू आर टू एम टू एक अलग यूनिट है और इज अबाउट टू आर अबाउट टू और एम अबाउट टू एक अलग यूनिट है। तो इसमें समय की कमी के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है और समय के दिशा लेना हो तो इस आर और एम के साथ सीजन टू का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण नियम नंबर में और बात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।